तो चलिए दोस्तों, विकास लाइफ केयर में एक बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है 28 मार्च 2024 की। सोमवार को तैयार रहिएगा आप लोग। देखिए, एक न्यूज़ चैनल में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है ना। न्यूज़ चैनल की पेरेंट कंपनी कह लीजिए, उसमें इन्होंने हिस्सेदारी खरीद ली दी है और इसी की न्यूज़ यहाँ पे NSE पे आई है 28 मार्च 2024 की। यहाँ पे देख सकते हो, 26 मार्च को भी कुछ अपडेट आया था, वीडियो नहीं बना पाया, और यहाँ पे देख सकते हो 28 मार्च को भी एक अपडेट आया है, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग देखेंगे इसमें मीटिंग तो मेरे समझ से कुछ है नहीं, ठीक है ना, कोई भी मीटिंग नहीं है। आज इसमें 1% की गिरावट देखने के लिए मिली है, और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले से बता के रखा हूँ। अब देखिए न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो 150 मिलियन में जो है इन्होंने एक्वायर किया है 7.5% स्टेक। चलिए हिंदी में देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखिए, विषय विकास लाइव केयर लिमिटेड ने लोकप्रिय समाचार चैनल भारत एक्सप्रेस न्यूज में 7.5% मतलब 7.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 150 मिलियन रुपए का निवेश करके बेंच मार्क न्यूज लैब प्राइवेट लिमिटेड में काफ़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। तब ये इसका है कुल मिलाकर शीर्षक या कह लें सब्जेक्ट, और नीचे भी दिया गया है सेबी के कुछ रूल रेगुलेशन के अनुसार कृपया इसके साथ संलग्न मीडिया विज्ञप्ति के प्रति है जिसका शीर्षक है, वहीं विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने 150 मिलियन रुपये में सीधा कह लें 15 करोड़ में बेंच मार्क न्यूज लैब में प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है ना, खरीद लिए लोकप्रिय समाचार चैनल भारत एक्सप्रेस न्यूज में 7.5% हिस्सेदारी, ठीक है ना। अब जब बता रहे हैं कि नीचे भी यह PDF कुछ संलग्न है तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो वही चीज़ फिर से दोहरा रहे हैं ये कि नई दिल्ली 24 मार्च 2028 मार्च इतना को आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान और संबंधित उद्योग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। तो ये कह रहे हैं कि आगे, मतलब अभी तो 150 मिलियन का इन्होंने निवेश किया है, और आगे और जो है ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, मतलब 7.5% से भी अभी ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। विस्तार योजना को आगे बढ़ाते हुए अपने व्यवसाय के हितों को व्यापक बनाने के लिए विकास लाइफ केयर ने हाल ही में मीडिया और मनोरंजन व्यवसाय उद्योग में कदम रखा है। मतलब अब जो है ये मनोरंजन व्यवसाय मीडिया व्यवसाय में भी अब कदम रखें, तो अब कदम रखे हैं तो 7.5% से क्या होगा, तो हिस्सेदारी तो बढ़ानी ही पड़ेगी। और अधिग्रहण विलय के माध्यम से उद्योग में एक मजबूत पैर जमाने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज करा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अधिग्रहण और विलय मतलब आने वाले समय में किसी न्यूज़ चैनल से या न्यूज़ चैनल की जो भी कंपनी होगी विलय भी हो सकता है, मतलब मर्जर भी आ सकता है, याद रखिए, ठीक है ना। ये एक इशारा भर है कि कंपनी आगे इस सेक्टर में कदम जमाने के लिए, मजबूत पैर जमाने के लिए, यहाँ पे देखिए एक मजबूत पैर जमाने के लिए ये दोनों काम हो सकता है। तो अधिग्रहण का मतलब हुआ कि इसी तरह से स्टेक खरीदे जाएंगे और उनमें मेजोरिटी होल्डिंग हो जाएगी, जैसे 7.5% कर खरीदे, फिर 7.5% खरीद लिए, 50% से ज़्यादा खरीद लिए और वो कंपनी इनकी बन जाएगी, तो इस तरह से ये कर सकते हैं। नहीं तो किसी कंपनी के साथ सीधा मर्जर भी कर सकते हैं, तो भी मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो याद रखिए, मर्जर आएगा। ये वीडियो आप लोगों को पहले मैं कभी बाद में 2-4 महीने 10 महीने बाद याद दिलाऊंगा। तो मतलब विकल्प की खोज कर रहे हैं, मतलब विकल्प की खोज अगर मिल जाता है कोई मर्ज करने वाला तो मर्जर भी हो सकता है, साथ ही एक स्वतंत्र मूल्यांकन और शुरुआत करने पर भी नज़र रख रहा है, मतलब एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल या कुछ भी मनोरंजन व्यवसाय के लिए, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, कंपनी के बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि क्या कंपनी करती है क्या नहीं करती है। बेंच मार्क न्यूज लैब लिमिटेड, बेंच मार्क न्यूज लैब प्राइवेट लिमिटेड एक दिल्ली स्थित उद्यम है जिसके मीडिया और मनोरंजन उद्योग में कई मौजूदा और आगामी उद्यम है, जिसमें फ्लैगशिप न्यूज चैनल जिसका नाम भारत एक्सप्रेस न्यूज है जो मुख्य रूप से एक भारतीय हिंदी भाषा न्यूज चैनल है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे बताया गया है, नीचे और भी सब कुछ लिखा गया है, इनको कितने साल का अनुभव है, क्या क्या कैसे कैसे, तो देख लीजिएगा आप लोग, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी। अगर आज देखेंगे इसके शेयर में तो 1% की गिरावट आई है, 73,46,148 इक्विटी शेयर इसमें जो है आज ट्रेड हुआ है। अगर लास्ट डील की बात करेंगे तो अभी तो लास्ट डील का डाटा नहीं आया होगा,
बल्क डील का डाटा जी नहीं, अभी नहीं आया है, आएगा तो मैं आप लोगों को फिर कभी बता दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो शेयर अभी भी वीक है, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था एक 25 मार्च की न्यूज है, 19 मार्च, 14 मार्च की हाल की ये दो तीन न्यूज है। अभी मैं पीछे वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 3 करोड़ शेयर खरीद लिया है, अभी और गिरावट हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अभी और गिरावट हो सकती है, इस तरह से मैं आप लोगों को बताया था। तो देखिए अभी गिरावट की संभावना है टेक्निकली। देखिए अब मेरा व्यू नहीं होता है कि नहीं मैं किसी शेयर को बोलूं कि गिर जा, तो ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है देखिए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का मतलब तो यही है कि किसी भी स्टॉक में मुझे तेजी दिख रही है तो मैं उसमें तेजी बोलूँ, किसी शेयर में मुझे गिरावट दिख रही है तो गिरावट बोलूँ। अब आपको गिरावट, आपको भी लग रहा है कि अगर गिरावट होगी तो आप सेल कर दीजिए, आपको लग रहा है कि तेजी होगी, मैं बोल रहा हूँ मंदी होगी, तो आप उसको होल्ड करिए, क्योंकि बटन वो जो बाय सेल करने वाला है वो आप ही के पास है ना। तो देखिए मेरा तो एनालिसिस वही रहेगा जो मुझे दिखेगा, मुझे समझ में आएगा, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग एनालिसिस होती है, कोई कुछ एनालिसिस करता है, कुछ एनालिसिस करता है, तभी ना एक ही समय पर बाय सेल होता है, नहीं तो सभी को अगर पता चल जाए कि बाय होता है, बाय मतलब ऊपर ही जाएगा तो सभी लोग बाय करते हैं तो अपर सर्किल लग जाता है, जब सभी लोगों को पता हो जाता है कि गिरावट होगी तो लोअर सर्किल लग जाता है। लेकिन जब भी ट्रेडिंग हो रही है किसी भी शेयर में, इंडेक्स में ले लीजिए, कोई भी शेयर है, जब बाय सेल हो रहा है, कोई बंदा एक ही टाइम पे खरीद रहा है और एक ही टाइम पे बेच रहा है, तो इसका मतलब तो सीधा है कि दोनों का भी अलग अलग है। खरीदने वाला ये सोच रहा है कि तेजी होगी, बेचने वाला ये सोच रहा है कि मंदी होगी, तो तभी ना एक वॉल्यूम बनता है, नहीं तो वॉल्यूम बनेगा कैसे, जब सभी को पता है एक ही साइड सभी लोग चलना शुरू कर देंगे तब अपर सर्किट या तो लोअर सर्किट लगेगा। तो मेरा भी हो सकता है अलग है, आपका भी अलग है, तो आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो काम है वो मैं करूंगा कि कोई न्यूज आएगी तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, और मेरी जो एनालिसिस कहेगी कि मुझे क्या लगेगा कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, वो मैं बता दूंगा, बस सिंपल सा, ठीक है। तो देख लीजिएगा अभी जब तक ये 5.75 रुपये के लेवल के नीचे नीचे है तब तक तो कुल मिला के गिरावट का ये व्यू रहेगा। हालांकि अगर मार्केट सही रहा, जैसे कि आज मार्केट में अच्छी तेजी आई थी, तो उसी तरह से मार्केट में अगर मोमेंटम रहता है तो एक यहाँ से तेजी आ सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए या बहुत बढ़ चढ़ के खरीदारी करने का मेरा कोई भी व्यू नहीं है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, 4.75 रुपये पे सपोर्ट है, ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो फिर और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनेगा वो 4 रुपये के आसपास सब बनने वाला है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, और लॉन्ग टर्म का अगर टारगेट पूछेंगे तो 9 रुपये के आसपास का ये लॉन्ग टर्म में टारगेट दे सकता है। हालांकि ऊपर तो रेजिस्टेंस की कमी नहीं होती, जब ज़्यादा साइड में हो जाते हैं शेयर ना तो रेजिस्टेंस सपोर्ट की कोई कमी नहीं होती, 7 रुपये पर भी रेजिस्टेंस इसको मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।